कि पंजाब च नशा कदे नहीं होवेगा खत्म। मोगा तो हैरान कर देने वाले आंकड़े आए सामने। महज 9 दिनों च नशे नाल होईयां 10 मौतां। पंजाब दे नौजवान शरियाम करदे ने नशा। तस्करां ते क्यों नहीं वर रहा पुलिस दा डंडा। पंजाब दे बेरोजगार नौजवान जां तां विदेशां नूं तुर जांदे ने, जो बाकी बचदे ने उहनां नूं चिट्टा निकल जांदा है। इक थां ते 9 दिनां च 10 नौजवानां दीआं मौतां होना कोई छोटी गल नहीं है, ओ वी उदों जदों इह मौतां नशे नाल होईयां होण। वैसे तां पंजाब भर च नशे दे कहर ने नौजवानां नूं अपनी पकड़ दे विच इस कदर लै लिया कि हुण बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा औखा हो गया। पर अज असी गल करांगे मोगा दी। मोगा दी उस बस्ती दी जिथे 9 दिनां दे विच 10 नौजवानां दीआं नशे दी ओवरडोज नाल मौतां होईयां ने। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कि पंजाब नशा कदे नहीं होवेगा खत्म। पंजाब दे 6-6 फुटे गबरू जवान नौजवान अज किथे थियोंदे ने, मिलदे ने तां बस नसां च टीके लाउंदे नौजवान। पंजाब च वगदा नशे दा छेवां दरिया नौजवानां दीआं रगां च वस गया। कई मावां दीआं कुखां सुनियां कर दित्तियां ने, कई चूड़े वालियां नूं विधवा कर दिता है। कई प्यो सहारे लभदे ने ते कई भैणां रखड़ी बन्नण लई वीरां दे गुट लभदियां ने। हसदे वसदे घरां च नशियां ने सथर वछा दिते। मोगा दी सादां वाली बस्ती जो कि नशे दा मिनी हब बन गई है, इस बस्ती दे विच 29 अप्रैल तो 7 मई तक 10 दे करीब नौजवानां दी चिट्टे दी ओवरडोज नाल मौत होई है। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਬਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਧਾਰਨ ਬਸਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ SHO ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਗੱਡੀ ਚੁਕਾਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਬਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਬਿੱਟਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਏਰੀਆ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਨਾ ਡੇਲੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੋ, ਕਦੇ ਮਹਿਣੇ ਲੜਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇਵ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ SHO ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ,
असी उन्होंने एक मौके पर एक चिट्टा तस्कर है जिहड़ा फड़ाया भी सी, उन्होंने अरैसट भी करवाया। वह सरकारी हॉस्पिटल के पहला एक दिन पहला सरकारी हस्पताल दे विच दाखल सीगा, जो कि झड़प हुई सी साडी उस चिट्टे वाले लड़के नाल, ते उहदे सिर दे उत्ते सट वजी ते और एस एच ओ ने साडे उत्ते पंज बंदिआं दे उत्ते परचा कटता सीगा। और अगले दिन ही वह बंदा धरने दे विच आ गया साडे कोले, असी ऑन द रिकॉर्ड वह बंदा भी फड़ाया। पर तुसी देखो प्रशासन इन्ना इत्थे ढिल्ला काम कर रहा, वह लड़का जिहड़ा चिट्टा वेचण वाला ते पीण वाला सीगा, जिहड़े घर चिट्टा वेचदे ते पीँदे वह हजे बाहर फिर रहे आ, और जिहड़े उस बंदिआं दा विरोध कीता जिहड़े बंदिआं ने वह बंदिआं दे पंज बंदिआं दे परचा कट्टिआ गया होया, और वह पंज बंदे आ जिहड़े हुण वह परचा रद्द कराउण दे पिछे तुरे फिरदे, उहनां दी कितें कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस संबंध में विधायक अमनदीप कौर के नाल जदों गलबात की गई तो उन्हों का कहना है कि जेकर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस के उत्ते ही कार्रवाई होगी, बल्कि नशा तस्करों नूं जल्द तो जल्द ठल पाई जाएगी। कि अगर किसी भी जिले के किसी भी हल्के चिट्टा बिकेगा तो वो जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होएगा, क्योंकि कितने ना कि सानू लग रहा है कि थोड़ी ढिल बख्शी जा रही सी, बट असी चिट्टे के व्यापारियों के नाल जां फिर इहोजे व्यक्ति जिहड़े पंजाब का माहौल खराब करते हैं उन्होंने किसी तरह भी बख्शा नहीं जाएगा। सो सख्त कार्रवाई करन दे जिहड़े सख्त ऑर्डर ने साडे मान साहब वालों पास किए गए हैं, तो असी भी हलका विधायक होण दे नाते मैं भी अपने पुलिस प्रशासन नूं मोगे नूं सख्त हिदायतां दित्तियां ने कि किसी भी उन्हां कोल कोई जानकारी आती है तो जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। हुण असी देखते हैं अगर पुलिस प्रशासन लोगों की सहायता करता काम करते तो ठीक है, अदरवाइज फिर उन्होंने भी सख्त जिहड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जी, मैं उही तुहानूं कहा कि अगर पुलिस प्रशासन वालों कोई ढिल बरती जाएगी तो उन्होंने भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने वालों बनती कार्रवाई पहला भी की जा रही है, तो जेकर उन्होंने कोई भी शिकायत आती है तो उस आधार के उत्ते कार्रवाई की जाएगी। मानयोग सीएम साहब पंजाब की साढ़े उच्च अफसर वालों मीटिंग हुई थी, जिन्होंने कुछ सख्त निर्देश दिए कि पंजाब को नशा मुक्त करना, उसके संबंध में असी जिहड़ियां सस्पेक्टेड जगह हैगियां जां सस्पेक्टेड परसन हैगे आ समगलर हैगे आ उन्हां ते असी नज़र रख रहे हैं, जो भी सानू कोई मिलता असी वो एफ आई आर दर्ज करके उन्हें कानूनी तौर पर सज़ा दवावे। सर साधन वाली बस्ती के लाल सिंह बस्ती के विचों एक वीडियो वायरल हो रही है जिहड़ा नौजवान है कह रहे हैं चिट्टे दीआं बिट्टां तैयार कर रहा बेडर बेखौफ होकर काम कर रहा सर, उहदे लई मैनू भी पता लगा सी उहदे बारे, पर हुण असीं देखदे हां वी कदों दी वीडियो कदों दी आ उहदे बारे असीं वेरीफाई कर रहे हां। इक सर एक नौजवान दा इह वी रोप आ पुलिस ते कि जदों असीं चिट्टे दे तस्करां नूं फड़ाउणे आ ते चिट्टे दे तस्करां ते कारवाई नहीं हुंदी, उल्टा साडे फड़ाउण वालिआं ते हो जांदी सर। नहीं इस तरहां दी कोई गल नहीं, असीं करदे हां तस्करां दी करदे हां जो वी कारवाई करदे हां। आउण वाला दिनां विच किस तरहां दे सर कारवाई, असीं पंजाब नूं नशा मुक्त बनाउणा जी। किन्नियां सरकारां आईयां ते किन्नियां गईयां, पर जो चीज़ नहीं गई वह है नशा। हुण उम्मीद है मौजूदा सरकार तो, पिछलियां सरकारां ने तां वादे करके तोड़ भी दिते, पंज पंज साल लोग उड़ीकते रहे पर नशा खत्म नहीं होया। हुण नवीं सरकार आउण दे नाल नवीं उम्मीद पंजाब वासियां दे विच जागी है कि पंजाब दे गबरू नौजवान मुड़ वापस परतणगे, जिहड़ियां बाहवां नशे दीआं सरिंजां दे नाल कमज़ोर हो गईयां ने कि मुड़ तों उह तगड़ियां हो पाणगियां। हुण उम्मीद है सरकार तो, हुण वेखना होएगा कि आने वाले दिनों दे विच नशे नूं खत्म करन दे लई और किहड़े पुख्ता प्रबंध सरकार करदी है। मोगा तो हरपाल सिंह दी रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब।